जैस्मीन भसीन को भला बुरा कहने वालों पर भड़के एलिगो ने कहा मेरी वजह से उसका गेम खराब। टीवी एक्टर एलिगोनी कुछ दिन पहले ही बिग बॉस 14 के घर से बाहर आए हैं। एलिगोनी ने जब से शो में एंट्री मारी थी तब से हर किसी का कहना था कि उनके चलते जैस्मीन भसीन का गेम पूरी तरह से खराब हो चुका है। वहीं बीते दिनों शो पर आकर काम्या पंजाबी और देवोलीना ने भी यही बात कही थी। अब एलिगोनी ने इस मामले में खुद अपनी बात सामने रख दी है। एलिगोनी को लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिगोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने जैस्मीन भसीन का गेम खराब किया है। जब वो सबसे अच्छे से बात करती है तो घर के अंदर लोग उसे क्यूट कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो स्टैंड नहीं लेती है। जब उसने करारा जवाब देना शुरू किया तो उन्हीं लोगों को दिक्कत भी होने लगी। मुझे लगता है कि लोग ये बातें नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि क्यूट सी जैस्मीन इतनी मजबूत भी हो सकती है। मुझे लगता है कि वो अच्छे से इस गेम को खेल रही है और मुझे उस पर गर्व है। जब बिग बॉस 14 के अंदर एलिगोनी गए थे तो उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वहीं जैस्मीन भसीन उन्हें देखकर तो रोने ही लगी थी। इस बारे में बात करते हुए एलिगोनी ने कहा एंट्री काफी धमाकेदार थी क्योंकि उन्होंने हमारा पसंदीदा गाना बजाया था। जैसे ही जैस्मीन ने वो सुना डांस करने लगी। जब मैंने उसे घर के अंदर पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो फिजिकली काफी कमजोर है। उसने बताया कि वो यहाँ कम खाना खा रही है। घर में उसे देखना मेरे लिए सबसे खास पल रहा। मुझे लगता है कि 2020 में मेरे साथ यही सबसे अच्छी चीज हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।